नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे। मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का, आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक छवि में से पाठ 9 डामन और पिथियस की कहानी पढ़ाने जा रही हूँ। इस कहानी में हमें दो सच्चे दोस्तों के बारे में जानने को मिलेगा। चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। डामन और पिथियस नाम के दो दोस्त थे। डामन जहां रहता था उस देश का राजा बड़ा अत्याचारी था। उसने कुछ दोष लगाकर डामन को कैद कर जेल में बंद कर रखा था और कुछ दिन पहले डामन को फांसी की सजा सुना दी। फांसी देने से पहले डामन से पूछा गया, मरने से पहले तुम्हारी कोई इच्छा है? डामन ने कहा, मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, एक शर्त पर, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार से मिलने जाने दूंगा। अगर कोई दूसरा आदमी तुम्हारी जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो तो तुम्हें परिवार से मिलने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी दे दी जाएगी। पिथियस डामन का सच्चा मित्र था। उसने अपने मित्र डामन की जगह जेल में रहना स्वीकार किया। डामन अपने परिवार से मिलने चला गया। जब डामन अपने परिवार से मिलकर वापस आ रहा था, तब आंधी इतनी तेज चली कि डामन रास्ता भटक गया और समय पर नहीं पहुंच सका। दूसरी ओर पिथियस यह सोचकर खुश था कि आज वह अपने मित्र के कुछ काम आ सका। इधर डामन सोच रहा था, हाय, अगर मैं समय पर ना पहुंच सका तो मेरे प्यारे दोस्त पिथियस को फांसी हो जाएगी। फांसी का समय आ गया। पिथियस को फांसी की जगह पर ले जाया गया। पिथियस अपने दोस्त की जगह फांसी पर चढ़ने से खुश था। लोग कहने लगे, डामन ने अपने दोस्त को धोखा देकर अच्छा नहीं किया। पिथियस ने चिल्लाकर कहा, ऐसा मत कहो, डामन मेरा सच्चा मित्र है, वह किसी कारण समय पर नहीं पहुंच सका होगा। तभी इतने में दूर से आवाज आई, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूं, फांसी की सजा मुझे हुई है। डामन दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और झट से पिथियस को फांसी के फंदे से अलग कर दिया। उसने पिथियस को गले से लगा लिया। दोनों दोस्तों की आंखों से आंसू बहने लगे। अब डामन ने फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। तभी राजा जोरों से बोला, रुको रुको, मैं ऐसे सच्चे मित्रों को अलग-अलग नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि आप मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे आप जैसे मित्रों की बहुत आवश्यकता है। इनकी सच्ची दोस्ती को देखकर राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। बच्चों, इस कहानी में हमने यह देखा कि सच्चा मित्र किसे कहते हैं। हमने यह भी देखा कि सच्चे मित्रों से दोस्ती करना हर कोई चाहता है। जैसा आपने इस कहानी में देखा कि जो राजा बहुत ज्यादा अत्याचारी था, जिसे उसके हृदय में किसी के प्रति दया भाव नहीं था, लेकिन उसने पिथियस और डामन की सच्ची दोस्ती देखकर डामन को जो फांसी की सजा हुई थी उसे रोक दिया
और उसने डामन और पिथियस से यह कहा कि वह उनका मित्र बनना चाहता है। बच्चों, सुख दुख का साथी ही सच्चा दोस्त होता है। बच्चों, आपको इस पाठ से संबंधित कार्य भेजा जा चुका है, आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और उसे याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।